रंगां दे नाल जुड़ी हुई दुनिया संसारी रंग तक रह जाएगी। कल्ला अपना ही बचा नहीं पुत्रो, तुसी ते दुनिया का बचा कर सकते। शास्त्रधारी ऐसा साजिया सारा इतिहास अगे तो अगे वेखो, अज ये भी गुरमुखो पीड़ा है। वेखो गतका कोई खेड नहीं, खेड दुनिया की कोई भी होवे खेड हमेशा झूठी होंदी आ। आपां कहिंदे फलाने ने आ खेड खेडी, गतका कोई खेड नहीं। जो अज दिखाया जा रहा ना मार्शल आर्ट किया गया, ये खेड नहीं, ये गतका ही ना रह गया। ये एक लंबा इतिहास 40 तो वध किरपाना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने जीवन काल च वरतिया। अस्त्र की हुंदा, शस्त्र की हुंदा, अस्त्र और शस्त्र की हुंदा, हर एक पक्ष जिहड़ा वो जरूरी सी समझण वाला। कई कई घड़ियां गुरु के लाल तेगा चलाउंदे, होले महल्ले की आरंभता महाराज ने सन 1701 विच आरंभ की। उहदा मूल की रखिया, दो टीमां बनाउणियां, दोवां टीमां दे आपस विच जंगी करतब होने, जिहड़ी टीम ने जित जाना पातशाह ने उहनूं इनाम दे के नवाजना। आपस विच जंगी अभ्यास रखे, पर नाल ये जरूर किया पुत्रो ये होला महला कला बाहर ना रह जाए, पहला पाखे तेरे जीवन विच भगती जरूर हो। रब्बी बाणी च सूरमा उहनूं भी आखिया, जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईत है सूरा, आत्म जिने सगल वस तातै जाता सतगुर पूरा। लाल रंग तिसको लगा जिसके बडभागा, मैड़ा कदे ना हो वही न लागे दागा। महाराज कहिंदे अंदर किन्ना तो जितया हो। मैं थोड़े जे अगले इतिहास का पक्ष कहां, गुरमुखो ये होले महल्ले दी ही देण आ। हिंदुस्तान की धरती 897 ईस्वी तो हाकम लोकां लुटना शुरू किया। इस धरती हैंडीकैप्ट लोग भी लुट गए। हुण तैमूर लिंग जिहड़ा वो एक लत तो लंघा है, घट्टो घट 12 वारी हिंदुस्तान लुट गया। कदी इत्थे दुरानी आए, कदी अबदाली आए, लोकां दा ते अखाण ही बन गया, खादा पीता लाह दा ते बाकी अहमद शाह दा। ये हथियारधारी कली भगती नहीं, महाराज शक्ति दित्ती जे दरा खैबर दा राह रोकिया। सच जाणिओ सिर्फ गुरु के खालसे कोई नहीं राह रोक सकेगा। सुल्तान उल कौम नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया कैसा सिखिया, 2200 हिंदुस्तान दियां बच्चियां नूं अहमद शाह अबदाली कोलों छुड़ा के लियांदा है। माला नाल नहीं सी छुड़ाइयां जाणियां, सच जाणियो माला फेरन वाले बहुत सी। पहलां सतगुरु आखिया भी तेग तो बिना खेड कोई नहीं बननी। शस्त्रधारी जरूर होवो, हथियार कोल होएगा। और बड़ा प्यारा इतिहास ने एक हवाला लिखिया, मैं उस बच्चे का बाद च ना रखदा। एक लौता पुत्र रहन वाला पिंड काले के जिला शेखूपुर, रोज वेखना भी कदी एक दिन छड के कदी दो दिन छड के बाप ने घर आना, ते 5-6 वरिया का पुत पुछदा रोज, मां बापू कित्थों आया, बापू का ते सारा चोला खून ना लिबड़िया हो। इथों तक बापू की तेग का म्यान जिहड़ा वह भी खून ना लिबड़िया, ते मां बापू के शरीर ते कई बार फट भी बड़े। मां गालना लैके ला के कहना, पुत्र तेरा बापू बड़ा सूरमा है, बड़ा योधा बापू है तेरा, पुत एक कौम की बड़ी वड्डी सेवा करके आया।
मां ऐसी केड़ी सेवा जिदे नाल चोला खून ना लिबड़ जाए, शरीर नूं फट लग जाए, ये कैसा है, ये किदां दी सेवा। ते मां कहिंदी है, पुत जुलम नूं मिटाउणा, जुलम नूं खत्म करना, जालम नूं मिटाउणा, ये भगती दे नाल नाल शक्ति गुरु कलगियां वाले ने दित्ती। 8 साल का पुत होया, अज सुनेहा मिलिया इस परिवार नूं भी भलियो, इस बच्चे का बापू मैदाने जंग दे विच जूझदिया शहीद हो गया। बापू का संस्कार होया, 9 साल की उम्र हुई इस बच्चे की, ते जेड़ा गुर सिखाउंदा सी शक्ति दे तलवारबाजी नेजेबाजी, 9 वरिया के पुत नूं लैके मां सरदार माली सिंह जिहड़ा उस वेले गतके का उस्ताद सी उहदे कोल लैके मां चली गई। आखिया, उस्ताद जी इस बच्चे नूं भी ये गुर सिखाओ जिहड़े इहदे बापू ने सिखे। उस पुत नूं वेख के भाई माली सिंह कहिंदे ने, भैण जी सिर दा सुहाग सिर दा साईं, मैदाने जंग विच जूझदे आं, कौम दी आन ते शान लई चढ़ाई कर गया, शहीद हो गया, ये ते बच्चा बहुत छोटा है, मैं सिखा देंगा, सिखाउण दी कोई गल नहीं, पर जिन्हें ये सीखना है, भगती सीखनी है, शक्ति सीखनी है, हो सकता है कल नूं मैदाने जंग विच ये भी शहीद हो जाए। बड़ी प्यारी गल उस मां आखी, कहन लगी पवित्र हो जाएगा मेरा दुध ते मेरी कुख जे मेरा पुत भगती दे नाल नाल शक्तिवान भी हो जाए। वो 9 साल दे पुत्र दा नां सी सत्कारयोग सरदार कपूर सिंह, जिन्हों बाद विच नवाब कपूर सिंह कहा जाता है। बड़ा वड्डा कौम दा योधा सरदार होया, सरमाया साड़ी कौम दा, जिन्हें उस पक्ष नूं विचारिया नाल मैं दूसरे पक्ष का। गुरमुखो होले महले का सिद्धांत साढ़े कोल हुंदा, ते दिल्ली की धरती ते जो कुछ 84 च होया भावें सरकार वालों कराया गया, पर याद रखियो सिखां दे घरां दे विच किरपान हथियार की निकलना है, सिखां दे घर सोटे भी नहीं। तुसीं अज भी जाओ दिल्ली, अज भी अल्लाह मेरे कहण की गल नहीं, सीसगंज साहब गुरुद्वारे जाके किसी नूं भी पुछियो भी इत्थे 84 च की होया, तुहाडे चों बजुर्ग विद्वान जन बहुत बैठे संगत विच, उन्हां नूं बड़ा चंगी तरह पता है। सारी दिल्ली विच हमला हुंदा है, चेते रखियो सीसगंज साहब दे नेड़े नहीं कोई आ सके। जिन्ने सिख परिवार गुरुद्वारा सीसगंज च पहुंच गए ना, उते कोई हमला नहीं होया। कारण उते उस वेले एक काफला सुभावस निहंग सिंघां दा आया होया सी, अज वाले भंगी निहंग सिंह नहीं, जिहड़े सचमुच निहंग सिंह है, वो एक काफला बैठा है। एकदम उदण ही सवेरे रौला पिया भी इंदरा का बदला लेना है, उन्हें गुरु के लाला अपने हथियार सांभे, सारे पासियों गुरुद्वारा सीसगंज साहब की घेराबंदी की। याद रखियो एक भी दिल्ली के किसी हाकम की बंदे की पुलिस की किसी की हिम्मत नहीं पई भी सीसगंज साहब के जिन्ने लोग बैठे किसी पर हमला बोलिया जाए, एक नूं एक फट नहीं लगे। कि पंजाब की धरती से हिंदू नहीं सी रहते, पंजाब बचिया, सच सी भी उन्हां कोल हथियार सी जरूर, भावें अज इस नूं बदल दिता, अज हथियार ब्याहां शादियां च चलाउण जोगे ते एक दूजे दे अपने सके भरावां दीआं हिक्कां विन्नण जोगे अज हथियार रह गए सिखां कोल। इह कौड़ा सच है, इहनूं समझणा पएगा। मैं 3-4 हवाले फिर इतिहास चों दिआं। एक वक्त आया दिल्ली की धरती ते मुहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह, दिन रात नशियां च डुबण वाला,
वैश्या बिरती दा मालक अफगान दी धरती तो चलिया चढ़िया जी दोवें प्यो पुत नादर शाह ते नासर शाह अफगान तो चढ़े अज भी दुनिया च सब तो वड्डी जिहड़ी कतलेआम आ दिल्ली दी वह नादर शाही कतलेआम मनी जांदी। नादर जदों चढ़िया तो मुहम्मद शाह रंगीला शराब पी के सुता है साथियां ठाड़िया भी नादर आ रहा है उस सुता कवे जी दिल्ली बहुत दूर आ भी अजे नहीं आना उन्हें पता उदन लगा जिदन दिल्ली की धरती से कतलेआम होया उन्हें खूब लुटिया दिल्ली सब कुछ लुट पुट के जदों रंगीले उत्ते कब्जा किया चेते रखे रंगीले ने अपनी बच्ची दे के अपनी जान छड़ाई कह लगा मैं अपनी बच्ची का डोला अपनी पुत्री की शादी निकाह तेरे पुत ना करदा है मेरी जान बख्श दे। इथों तक डिगया मुहम्मद शाह रंगीला। खैर जी नादर ने नासर शाह दे नाल उहदी पुत्री का अपने पुत नाल रिश्ता जोड़िया निकाह हो गया जदों जान लगे वापस ते नासर दियां सालियां ने रिश्ते चो लगदियां ने पुछया वे नासर तेरा कुर्सी नामा की है। हुण नादर शाह 18-19 साल तक ते खुद भेडां चारदा रहा बाद विच तेग चलाउणी आई वक्त आया वह बादशाह हो गया वह बाहर आ गया नासर। नादर कहण लगा लियांदा नहीं बेगम नूं जाणा नहीं आखिया उहदे परिवार दियां बच्चियां मेरा कुर्सी नामा पुछदियां मैं की दसां कहण लगा तू की दसना आखिया मैं पिता जी की दसां अब्बा मैं ये दसां भी तू भेडा चारदा रहा कहण लगा नहीं योधियां दा कुर्सी नामा यह नहीं हुंदा जा जाके कह मन मनासर मैं आ नासर पिसरे नादर ते पोतिया नादर दा नादर पिसरे वा शमशीर ते नादर पुत्रिया शमशीर दा तेग दा। खैर जी मुहम्मद शाह रंगीला मुक्या वक्त दे नाल इसे धरती ते बैठा जी तैमूर अली तैमूर खां भी उन्हूं कहिंदे सन उहदे उत्ते फिर कब्जा कीता जी रुहेल खां ने। बड़ा लोकां ने सुनिया सी भी तैमूर खां जिहड़ा उह बड़ा योधा है हुण जिद्दण कब्जा हो गया इहदी थां ते अल्फ खां बैठा है उहने तैमूर दे घर दियां कुझ बच्चियां नूं कहा भी मेरे सामने नचो उह नचण लगियां इहने इक बोतल दे विच पाणी पाया उहदे च रंग पा के ना पेश इह कीता भी मैं शराब पी रहा शराब पी के वैसे ही ये नाटक करे भी मैं शराबी हो गया अपनी हित दे उत्ते खंजर रख के ते ये जान के डिग पिया उच्ची उच्ची करारे मारदा भी जिवें मैं सौ गया पर तैमूर दियां बच्चियां नचदियां रहियां। रहेल खां उठ के हसया कहण लगा भी तुहाडे विचों जुरती मुक गई तैमूर वाली तुसी सामने मेरे सुत्या भी नची जा रही हो तुहाडे च किसे च हिम्मत नहीं पई तैमूर दियां रगां दा खून आ तुहाडे च किसे दी हिम्मत नहीं पई भी सुता पिया है लागे खंजर पिया कम से कम हमला ही कर दिया मारना हुंदा हमला ते करन जोगियां हुंदियां कहण लगा मेरे राज नूं कोई नहीं खत्म कर सकता अज ये साडी हालत ने ध्यान देना वक्त ऐसा होवे दरा खैबर दा राह रोकया गुरु के खालसे फिर इतिहास दा मैनूं बोल दो चेते आए कह मैं अखीरले बोला ते आवां दिल्ली दी धरती कुतुब मीनार दे लागे दा इलाका जी महरौली जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद होया बाबा बंदा सिंह वेले एक आवाज दिती फरुख शीयर ने भी मैं सुनिया है तुहाडे विच कोई बाज सिंह नां दा योधा है पौणिया बाज सिंह हुण ते चलो
ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਤਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਸਬ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਧੂ ਆ ਤੇ 100 ਹੀ ਸੰਧੂ ਆ, ਜੇ ਵਿਰਕੇ ਆ ਤੇ 1000 ਹੀ ਵਿਰਕੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ, ਰੁੜਦੂ ਰਾਮ, ਘਾਟੇ ਸ਼ਾਹ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੂੜੀ ਰਾਮ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਂ ਅਹੇ ਨਾਂ ਪਿੰਕੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਕੁ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ, ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਕੋਲ ਤੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਖੋਲਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ। ਛੇ ਜਣੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ, ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਰੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸੀ ਤੇਜ ਦੇ। ਫਰੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਸੱਦ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਢਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਤੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਕੋਈ ਬਰਸ਼ਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, 20-25 ਸੂਰਮੇ ਫਰੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਕਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤੇਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੀ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ।
जी को धौण ही ना सामभी गई। अज एक दूजे उत्ते तच्चे रंग सिट सिट के गुरु कलगियां वाले दे सिधांत नूं फिर रोलिया जा रहा। होला महला प्रतीक दिता सानू भगती ते शक्ति दा। लाहौर दा रहण वाला एक पठान सूरमा इतिहास ने उहदा नां लिखिया बाबा वजीद। उहदियां कवितावां प्लस टू दियां किताबां च अक्सर असीं पढ़दे आए हां। बड़ियां कवितावां उहदियां मशहूर सन। इक नां दे तर पुत पुत्तां दे तर पोतरे, इक नां दे तर ती धीआं तर दोतरे, इक नां दे तारे उह वी जाए मर। वजीदा कौण साहिब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। उह वजीद बहुत वड्डा पठाणी सूरमा। मन नूं ठोकर लगी। अज उह किसे दे काफले विच इक साधां दे टोले च रल गया। साधुआं दे टोले नूं बदमाशां ने चोरां ने लुट लिया। वक्त दे हाकमां नूं पता लगा। सिपाही आए उन्हां तफदीश कीती भी किवें लुटिया गया, कौण कौण सी विच। कल्ले कल्ले दी परख कीती। जदों वजीद नूं वेख्या ना सिपाही बड़े हैरान होए। कहण लगे तूं पठान वजीद खां है। उन्हें आख्या हाँ। आख्या एडा वड्डा सूरमा जिहदे सामने वड्डे वड्डे सूरमियां दे मूंह मुड़ जांदे, उह तिउं टोले च होवे बदमाश लुट के लै जा। उन्हें गल बड़ी प्यारी आखी। किंदा जब खुते पुत्र पठान के तो देते दस्ते मोड़, अब शरण परो रघुनाथ की सके ना तिनका तोड़। कहिंदे उन्ना चिर सी जिद्दां दौड़िया च बल सी ते तेग वाहुंदे सी उदों ही गल बात सी। हुण ते जिंदगी उत्थे आ गई, इत्थे तीला नहीं भज के दोहरा। सच आ गुरमुखो बाबे दा सिधांत, चिट्टी सियोंक ने लुट लिया। आ इन्हां दिनां च मीडिए च वेख्या होणा तुसां बुलंदपुरी वाला बाबा, मैं बिल्कुल ना लै के कहां, उहदी ठाठ नकोदर दे विच मनाया जा रहा होला महला ते पाया जा रहा भंगड़ा। की गुरुद्वारे का यह सिद्धांत है। गुरमुखों लुटिया जा रहा, इन्हां चीजा तो दूर कर दिता। अज का साध ते इस संत जरनैल सिंह भी कहिंदा ये लड़ाइया पाउंदा सी जी। गुरमुखों उसे तेग का बालिया जिथे अज बैठे हैं ना, इहदा सारा पिछोकड़ वेखो। कौमां उही दुनिया ते जिउंदियां जिन्हां कौमां कोल शहीद हुंदे। इसलिए ये प्रतीक होला महला पहला अंदर दा रंग इन्ना कु होवे, जीवन इन्ना कुचा चुकिया होवे, वो किसे दे धी पुत नूं मारी निगाह नाल नहीं वेखदा, उन्हूं बचा के ते घरे छड के आउंदा। आही होला महला अंदर दा रंग इन्ना कुचा हो गया। इहो जी माला इहो जी भगती महाराज ने दित्ती, और वह जिन्हें पांच विकारां नूं जित लिया। रब दे नां दा रंग चढ़िया, और वह सच्चा रंग जिन्हूं पातशाह कहिंदे ताया रंगण जे थीए प्यारे पाईए नाउ मजीठ। रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग ना डीट, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिन्ना कै पास, धूड़ तिन्ना की जे मिले जी अहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण तंते पावे आपे ही रावे। ए अंदर दा रंग आ, बारी ते अंदर दी दुनिया दा एक श्लोक है, मैं समाप्ति करा। गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे आ, भै काहू को देत नह नह भै मान त्यान, अहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। डरावना भी गुरु ने आखिया पाप आ, पर नाले क्या डरना भी पाप आ। सिख ना डरदा ना डरावदा आ, इसलिए भगती करके गुरमुखो अंदर ने जीवन नूं उच्चा चकीए। रंग चढ़े परमेश्वर दे नाम दा, और बाहरी तौर ते जीवन दे विच शास्त्र जरूर होए। जिदा गुरु कलगियां वाले सतगुरु ने सानू धारनी बनाया, मालक कृपा करे तच्चिया रंगा तो जिंदगी उठ, प्रभु दे सच्चे रंग दे नाल जुड़ जाए।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।